ये जितने बैठे यहाँ पर ऐसे मुंह बना रहे हैं, सबके लिए टॉपिक है और इसको भी तुम रिलेट करोगे, बिकॉज द टॉपिक इज अबाउट सेक्स एजुकेशन। बस यही तक शोर मचाने वाले हो, पता है मुझे। कभी किसी ने अपने पापा से जाके पूछा है, पापा डेट पे जा रहा हूँ, कॉन्डम लेके जा सकता हूँ क्या? यस, दैट्स द ग्लिच। और उसी ग्लिच को, उसी शर्म को जस्टिफाई करने के लिए आ रही है करनाल की टीम, तालियां बजाइए। वर्मा जी आप बताइए, हमारे तो बढ़िया है। अच्छा, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बढ़िया सब। आप सुनाओ। बोल बोल। अरे शर्मा जी, जरा देखिए तो अखबार में क्या छपा है आज। अरे क्या होगा भाई, दिखा। अरे देखिए तो जरा, दिल्ली में 8 साल की लड़की के साथ रेप हो गया। अरे भैया, ये खबर तो मानो सावन की एड की तरह आम हो गई है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब अखबार में ऐसी खबर देखने को ना मिले। पर शर्मा जी, जिस देश में नारियों को देवी की तरह पूजा जाए, नवरात्र में उनकी बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाए, उस देश में ऐसी स्थिति आ क्यों गई है कि हर रोज कोई ना कोई मासूम कोई सेवानियत का शिकार होना पड़ता है? अरे असलियत में पूछा जाए ना, तो इन हालातों का जिम्मेदार भी हमारा समाज ही है। कैसे कह सकते हैं शर्मा जी आप ये? अच्छा तो आप ये बताइए, हम रहते कहाँ हैं? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? भारत में। और भारत में रेप नॉर्मल है, हत्या नॉर्मल है, और सेक्स एजुकेशन? क्या बोल दिया शर्मा जी आपने। अरे वर्मा जी, जब आपके ही कान इस विषय को सुनकर खड़े हो गए, तो आप सोचिए समाज में इसकी कैसी कैसी परिभाषाएं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको एक। चलिए। भाई एवरीथिंग इज क्लियर, आ जाइए। मम्मी खड़ी हैं। मम्मी मम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बेटा मैं काम कर रही हूँ, अपने पापा से जाकर पूछ। अरे मम्मी बता दो ना एक बार। एक बार कह दिया ना मैंने, अपने पापा से जाकर पूछ। क्या है मम्मी? पापा पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ओहो हाँ बेटा, जल्दी पूछ। पापा ये मास्टरबेशन क्या होता है? हे माँ, माता जी। अरे जाला है, कहाँ से सीखे है तू ये? देख रही अपनी औलाद को? जैसे तुम्हारा तो कुछ लगता ही नहीं है। हाँ मेरी भी है, लेकिन जो भी है तुम पे गई है। और बहुत जवानी फूट रही है इसमें, बहुत लड़ू फूट रहे हैं। अभी देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ा है। अरे जा, जाके पढ़ ले। ऐसी औलाद से तो अचांभे औलाद ही ठीक थे। काश उस रात हम चुपचाप सो गए होते तो ये देखने। अरे यार बहुत भूख लग रही है, लगता है कुछ खाने के लिए आया है। दीदी दीदी ये क्या लेके आए हो आप? तेरे मतलब की चीज नहीं है, तू दूर जा। अरे दिखा दे मोटी, अकेले अकेले खा के बिल्कुल ढोल हो जाएगी तू। बोला तेरे मतलब की चीज नहीं है। क्या है ये? बोला था ना तेरे मतलब की चीज नहीं है। एक बार में बात समझ नहीं आती ना तुझे? बोला ना तुझे तेरे मतलब की चीज नहीं है। जा जा स्कूल के लिए तैयार हो जा। जा रहा हूँ। अरे यार मैं तो पढ़ के नहीं आया भाई। यार मैं तो पबजी खेल रहा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। पिछली क्लास का पढ़ के आए हो सारे? यस मैम। किसी को कोई डाउट? यस मैम। आ जाओ। मैम ये बुक में क्या लिख रखा है? मैम ये कोंडोम ये क्या होता है? अरे ये नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। मैम फिर ये बुक में तो दे रखा है इन्होंने। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तेरे? बोल दिया ना नहीं पढ़ना, पेपर में नहीं आएगा। जा किसी पे जाकर बैठ जा, दफर कहीं का। क्या है यार, यहाँ पे कोई कुछ बताता ही नहीं है। ऊपर से फरमान है चुप रहने में शान है, मुंह पे अपने ताला जड़ लो, आखिर हिंदुस्तान है। आखिर हिंदुस्तान है। बड़े और बच्चे सबको देते हैं ये सूचना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। तो देखा वर्मा जी आपने किस तरीके से इस बच्चे को इस विषय से अबोध रखा जाता है। बार बार पूछने पर भी उसे कुछ बताया नहीं जाता। जब जब उसने पूछने
भगा दिया गया। पर शर्मा जी ये तो विषय ही ऐसा है, इसे कोई अपने बच्चों को बताए भी तो बताए कैसे। अरे ये विषय तो इतना सेंसिटिव नहीं है जितना लोगों ने इसे सेंसिटिव बना रखा है। अगर समझाने की बात है ना तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से समझाया जाता है। चलिए पापा पापा आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा पूछो। पापा ये मास्टरबेशन क्या है? अरे बेटा ये कहां से सुन लिया तुमने? पापा वो कल टीवी में बता रहा था कोई इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन करके। अच्छा 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 देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब जानना। अरे नहीं पापा नहीं, इंटेलेक्चुअल का तो मुझे पता है, मुझे तो मास्टरबेशन का मीनिंग जानना है। अब अगर मैंने इसे नहीं बताया तो कहीं और जाके पूछेगा। अरे कहां खोगे पापा, बताओ ना मास्टरबेशन क्या है? बेटा ये गेम है। गेम? गेम? मैं भी खेलूंगा मास्टरबेशन। मास्टरबेशन बेटा ये आउटडोर नहीं इंडोर गेम है, इन्हें सेक्स ऑर्गन के साथ खेलते हैं। सेक्स ऑर्गन के साथ? हाँ बेटा। चलने दे चलता को नहीं है। अरे बेटा तुम्हारे सेक्स ऑर्गन के साथ। सेक्स ऑर्गन्स के साथ? बेटा तुम्हारा मेल पार्ट। ओ मेरा लुल्लू। बेटा इसे लुल्लू नहीं कहते, इसे मेल सेक्स ऑर्गन पेनिस कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को वजाइना कहते हैं। वजाइना? हाँ जैसे मेल और फीमेल आपस में पार्टनर होते हैं ना, जैसे आप और मम्मा। बिल्कुल बेटा वैसे ही उनके सेक्स ऑर्गन भी आपस में पार्टनर होते हैं। अगर किसी वजह से ये अलग हो जाए तो इनमें टेंशन बढ़ जाती है, तो इनके साथ खेलने से टेंशन कम हो जाती है। पर इसे हमेशा प्राइवेट में ही करियो। क्यों पापा? बेटा इसमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। और बेटा इसे करना कोई गलत बात नहीं है, पर इसे तभी करना चाहिए जब इसकी जरूरत महसूस हो। ठीक है बेटा? अरे पापा पापा इसकी जरूरत कब महसूस होगी? बेटा उम्र आने दे, सब मेरा लाग जाएगा। यस। अरे यार बहुत भूख लग रही है यार। अरे दीदी दीदी इसमें क्या है? अरे तेरे काम की चीज नहीं है। अरे दिखाओ ना दिखाओ ना। सैनिटरी नैपकिंस? हाँ बेटा ये सैनिटरी नैपकिन है, इसे लड़के यूज नहीं करते। क्या इससे भी नोजी साफ करते हैं मम्मा? नहीं ये नोजी साफ करने के काम नहीं आता। तो फिर किस काम आता है? ये इसलिए काम आता है बिकॉज़ आई ब्लीड एवरी मंथ। अब ठीक हो ना दीदी? बेटा दीदी बिल्कुल ठीक है, ये तो बस एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर औरत को होती है, जिसकी वजह से हर औरत महीने में कुछ दिन के लिए ब्लीड करती है। अच्छा। और ब्लड से कपड़े खराब ना हो जाए इसलिए नैपकिन का यूज करते हैं। ओके अब तेरे ट्यूशन का टाइम हो गया ना, तू ट्यूशन जा, तू मेरे साथ चल। देखो बुक दे बुक दे बुक दे। भाई कुछ पड़ा है क्या? अरे भाई पबजी खेली, तेरे भाई ने एमवीपी है तेरे भाई। सोना रे यार मैंने भी कुछ ना पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। Yes, ma'am. Ma'am. किसी कोई डाउट है? मुझे मैम मुझे पूछ लो। मैम ये बुक में ये क्या लिख रखे है? कोंडम कैंडी कोई खाने की चीज है क्या? नहीं मैम। तो फिर ये किस काम आता है? बेटा ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। किस चीज की मैम? बेटा इंटरकोर्स या सेक्स करते समय अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस कवरिंग का यूज किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी? अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहते वह इसका यूज कर सकते हैं ताकि बच्चा ना हो। बस ओके मैम। ओके चल 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 भाई सही कर दिया मैम ने। भाई कैडी है मैम कैडी कतई भाई मैं आज पट गया आ गया। देखा वर्मा जी आपने किस तरीके से एक एक तरफ थी ये फैमिली जिसने अपने बच्चे को इस विषय का पूरा ज्ञान दिया और दूसरी तरफ एक फैमिली है जिसने ना ही अपने बच्चे को इसका ज्ञान दिया ना ही उसकी सोच को विकसित किया। आप जानते हैं हमारे देश में 15 वर्ष से भी कम आयु के बच्चे को इस विषय की जानकारी कहां से मिलती है बताइए जरा। मैगजीन 15%, टीवी 17%, फेसबुक 10%
और सबसे ज्यादा 58% दोस्तों से मिलती है। इसका मतलब समझे? क्या समझे? इसका मतलब यह है कि 90% जनता को इस विषय की जानकारी मोस्ट अनरिलायबल सोर्सेस से मिलती है। और ऐसे ही बच्चे होते हैं जो आगे जाकर रेप और ईव डीलिंग जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए इसका ही भविष्य देख लीजिए। लोंडिया तो तू कतई डेकोरेशन है। डेकोरेशन किसका बोल रहा है यू फूल? मैडम फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ मैं आपका, सहेली का मत समझना। ना दवा ना दुआ ना काम आवा कोई तेल, लड़की से दूर हो ले नहीं दूंगा पहल। आप दूर हो ले। देख मेरे भाई, तू जरा अपनी सोच विकसित कर। जब तू औरा की बहन बेटिया की इज्जत करेगा, जब कोई तेरी भी बहन बेटी की इज्जत करेगा, ये समाज ना बहुत खूबसूरत है। बस आपने अपना नजरिया बदलने की जरूरत है भाई। तू अपना नजरिया बदल। ठीक है भाई, आज पाछे इसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, जा। देखा वर्मा जी, आपने इन दोनों बच्चों की सोच और समाज को किस तरीके से देखना है उसमें कितना बड़ा अंतर है। मेरे हिसाब से सेक्स बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसकी सही जानकारी होना बच्चों को बेहद जरूरी है। और इसलिए उनके सभी सवालों के जवाब इंटरनेट से नहीं, उनके माँ बाप से मिलने जरूरी है, क्योंकि इसी से ही उनको आगे समाज में किस तौर तरीकों के साथ रहना है यह उन्हें पता चलता है। तो इसलिए इस परिस्थिति से आपने कुछ समझा होगा, और हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि छोटी सोच और पहले सोच लोगों को ज्यादा आगे नहीं जाने देती। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजाइए केजीएमसी करनाल की टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति है। उन्होंने उस इशू को उठाया है विच इज लाइक द एलिफेंट इन द रूम, सबको पता होता है बट हम बात नहीं करते। वी बीइंग द मेडिकोज, हम भी बात नहीं करते, हमारे पेरेंट्स बात नहीं करते, या हम लोग जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से बात करने में शर्माते हैं। वी गेट सो मेनी डिजीजेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द करनाल टीम, वंडरफुल प्रेजेंटेशन।